क्या मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी टीम में शामिल हो रहे हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले? क्या नजम सेठी और बाबर आजम ने इनको खुशखबरी सुनाई है? वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप जानते हैं कि मोहम्मद आमिर बाबर आजम के साथ कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान जब भी मुकाबला होता था इनके दरमियान बहस होती थी, थोड़ा सा कंपटीशन बोल सकते होता था, पर वो अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि बाबर आजम मेरी कोई एक्स जीएफ नहीं है जिसको मैं पसंद ना करता हूँ या जिसके साथ मेरा कोई झगड़ा हो। सो ये कह रहे हैं कि बेसिकली मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं बाबर आजम के साथ चलना चाहता हूँ, मैं बाबर आजम के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं बाबर आजम के साथ ही खेलूँगा। सो अब नजम सेठी जो हैं, जो पीसीबी चेयरमैन हैं, वो मोहम्मद आमिर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाबर आजम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये दोनों जो हैं एक पेज पे, अब पीसीबी ने इनको बिठाना है और बताना है कि देखिए बड़ा वर्ल्ड कप है, बड़ा एशिया कप है, सो उसमें आपको कहीं ना कहीं सीनियर्स और जूनियर्स को मिलके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ सिर्फ जूनियर से मुकाबले नहीं जीते जाते और जूनियर्स मुकाबले जितवा भी नहीं सकते, सीनियर्स का काफ़ी रोल होता है इसमें। क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में शामिल करना चाहिए या इनकी जगह बनती है? यस या नो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी टाइप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।